दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शास्त्रों के अनुसार डिलीवरी के बाद यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके कितने समय के बाद पति और पत्नी संभोग कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, पर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों जब भी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, पर उसमें कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तभी आप तुरंत ही संभोग नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं बना सकते। क्यों कि ऐसे टाइम में आपको अगर सिजेरियन सेक्शन आया है तो आपको पता ही होगा कि आपके पेट पे कट्स लगे होते हैं, टाके आते हैं, तो आप संभोग के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे ही चाहे आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भी पेरिनियल के पास कट दिए जाते हैं उसमें भी, तो आप तुरंत ही संभोग या तो सहवास नहीं कर सकते। दोस्तों तो पहला जो इसमें फैक्टर है वो है एपिजियोटोमी, यानी कि जो लेडीज़ का वजाइना है, जो उनका मूत्र मार्ग है, उनके बाजू में जब बच्चे की डिलीवरी के टाइम बच्चे का सिर दिखता है तब डॉक्टर वहाँ पे कट लगाते हैं ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके और उसको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऐसे में वहाँ पे वुंड हुआ है, मतलब कट लगाया है, स्टिच आए हैं, ताकि उसको ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। कभी कभी ये हीलिंग की प्रोसीजर फास्ट होती है तो 1 से 2 हफ्ते में हील हो जाते हैं, कभी ज़्यादा टाइम भी लगता है, 6 हफ्ते से भी ज़्यादा। और दूसरा फैक्टर है दोस्तों डिलीवरी के बाद लोकिया का डिस्चार्ज होता है। ये एक डिस्चार्ज है जो वजाइना द्वारा होता है जब डिलीवरी हो जाती है। ये पहले ब्लडी होता है यानी कि लाल रंग का होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब जब ये टाइम जाता है तब ये व्हाइटिश येलोइश बन जाता है। ऐसे टाइम में भी आपको सहवास करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, तो अपने रिलेशन बनाना इस दिनों के दौरान अवॉइड रखें। तीसरा फैक्टर है दोस्तों जब डिलीवरी होती है औरतों की तब उनके बॉडी में एस्ट्रोजन कम बनता है, इसके वजह से वजाइना में ड्राइनेस आती है और ड्राइनेस की वजह से रिलेशनशिप बनाने में तकलीफ होती है, उनको दर्द ज़्यादा होता है। तो यही आपको बताया कि कितने दिन लग सकते हैं संभोग करने में जब डिलीवरी हो गई है औरत की। इसका एग्जैक्ट दिन नहीं होता, पर हर औरत का टाइम पीरियड्स अलग अलग होता है। और एक दूसरी बात आपको बता दें कि महिला जब भी डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड कराती हैं तब वो सोचती हैं कि प्रेग्नेंट नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है दोस्तों, ये भी एक गलत धारणा है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट पीरियड आने से पहले ही उनको दूसरा बेबी कंसीव हो जाता है और एक बच्चा छोटा होता है तभी दूसरे बच्चे की भी डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 बच्चों के बीच में 2 साल तक का गैप रहना चाहिए दोस्तों। तो आप पीरियड से पहले क्या करें, अगर आपको पीरियड नहीं आया और आप सहवास कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि कौन से तरीके हम यूज़ कर सकते हैं जो सेफ़ रहते हैं, क्योंकि अभी बेबी फीड कर रहा है। तो इसमें एक पिल्स आती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन रहता है, पर ये अभी लेनी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो आपको जो डिस्चार्ज होता है वो बराबर डिस्चार्ज नहीं होगा वजाइने के द्वारा, जो कचरा निकलना चाहिए बॉडी में से वो नहीं निकलेगा दोस्तों। और ऐसा भी देखा गया है कि इससे ब्रेस्ट फीडिंग कराती हुई माताओं में मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो इसका एक दूसरा हल है कि एक पिल्स आती है दूसरी जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहता है, जिसको मिनी पिल्स कहा जाता है, ये सेफ रहती है अगले पिल्स के बजाय। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये इतनी सेफ नहीं है, और इसमें जैसे वो आप मालाडी में 1 हफ्ते का गैप लेते हैं बीच में वो पीरियड्स आता है, ऐसा इसमें गैप नहीं होता और आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते। तो मेरी आपसे एक ही सलाह है कि अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती हो तो प्रॉपर IUD यानी कि आंकड़ी के कोपर्टी ऐसा कुछ पहन लेना चाहिए। आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं, इंजेक्शन 3-3 महीने के आते हैं, पर इंजेक्शन छोड़ने के बाद आपको कंसीव करने में टाइम लगता है। इसमें 3 महीने से लेकर 2 साल तक का टाइम पीरियड लग सकता है, क्योंकि फर्टिलिटी रिटर्न होने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो ऐसा अगर आपको बच्चों में गैप चाहिए तो आप IUD का ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। ये डिलीवरी के तुरंत बाद भी लगवा सकते हैं, पर ये 4 हफ्तों के बाद लगवाए तो ये आपको सूट हो जाएगा और एक्सपिल नहीं हो जाएगा, यानी कि वजाइना में से बाहर नहीं निकल जाएगा दोस्तों। तो पीरियड्स आने से पहले भी आप सहवास कर सकते हैं, पर 4 से 6 हफ्ते का गैप रखें और प्रॉपर IUD का यूज़ करें, या तो आप कॉन्डोम्स जैसे बैरियर मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही 4 से 6 हफ्ते के बाद में आप सहवास कर सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद आप कम से कम 1 से 1.5 महीने का गैप रखें रिलेशन बनाने के बीच में। तो आप पूछेंगे कि बर्थ कंट्रोल के लिए क्या अच्छा रहेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा तो दोस्तों बैरियर मेथड ही रहेगी,
अगर आप ये सब ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। गुड बाय।